अभी मेरे हाथ में है ये फेस मसाज क्रीम, और इसे करना क्या है, इसे करना है अपने चेहरे पे मसाज। यार शादियों का सीजन है, कहीं ना कहीं तो शादी में जाना ही होगा, पार्टी में जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले सर्दियों के मौसम में यार फेसियल कराना पार्लर जा करके कहाँ पॉसिबल हो जाता है। अब ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में करोगे ये वाला फेस मसाज। जस्ट अगर आपको शादी में जाना है रात के समय ना, तो ये आप दोपहर में कर लो, दिन में कर लो, किसी भी समय, मतलब आप 1 या 2 घंटे पहले कर लो, उसके बाद जो मेकअप करोगे जो लुक आएगा ना, मतलब सब देखते रह जाएंगे यार, कसम से इतना ग्लो आता है ना, इतना फिनिशिंग वाला मेकअप का लुक देके जाता है कि मत पूछो। सो इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले बनाना है फेस मसाज क्रीम। करेंगे क्या, एलोवेरा जेल लेना है, कोई सा भी ले लो, मैंने यहाँ पे पतंजलि का लिया है, साथ में हमने ऐड किया यहाँ पे थोड़ा सा क्लेजिन, और सबसे मेन है ये बादाम का तेल। अगर बादाम का तेल नहीं है ना, तो इसकी जगह पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, चलेगा, ठीक है, जॉनसन बेबी ऑयल ले लो, नारियल का तेल ले लो, मतलब वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ये वाला ऑयल लोगे तो ये क्या करेगा ना, अंदर से स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा पूरा अंदर तक। अगर ड्राई स्किन है तब तो भैया जरूर से यूज़ किया करो बादाम का तेल। और इसके बाद करना क्या आपको, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी देखो मैं जैसे ही इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ना, ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाने वाला है। ये देखो अभी देखा आपने, थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स किया और अभी ये बिल्कुल जस्ट एक क्रीम फॉर्म में आ गया। और थोड़ा सा ही मैंने बनाया, ज़्यादा बनाना नहीं है इसको, मतलब रखना नहीं है। क्या होगा ना, सर्दियों का मौसम, अगर आप फ्रिज करोगे ना, इसको फ्रिज में रखोगे उसके बाद अप्लाई करोगे, तो भैया मतलब क्या बताऊँ, नानी याद आ जाएगी ना, सर्दियों का मौसम है, ठंडी चीज़ें तो वैसे भी मतलब हमें सोच के ही ठंड सी आ जाती है नहीं, ठंडी चीज़ें से सर्दियों के मौसम में। सो अभी जस्ट चेहरे पे इसे टैप टैप करके अच्छे से अप्लाई कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ही क्रीम है, हमने ज़्यादा बनाया ही नहीं है। आप चाहो तो स्टोर करके रख भी सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगी भैया हाथ के हाथ बनाओ और साथ में लगाओ, ख़त्म करो, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ना, कई बार हमारे चेहरे पे ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो हम नहीं मतलब सोच रहे होते हैं, और ये ना स्टोर करके रखने से होता है। अभी आपने देखा कि मैंने हाथों को रब किया, क्यों किया, क्योंकि सर्दी लग रही थी ना, हाथ पूरे ठंडे थे, अभी जस्ट मैं काम करके आई थी और हाथ पूरे ठंडे थे, तो थोड़ा सा रब कर लेते हैं ना हाथों में, थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। उसके बाद चेहरे पे करना है मसाज। सबसे पहला मसाज का स्टेप आप देखते रहो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने शेयर की है। सो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से क्रीम को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है आपको। उसके बाद मसाज के सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने चिक्स पे यानी कि गालों पे अच्छे तरीके से मसाज करना होता है, पूरे फेस पे, हेड से लेकर के नीचे हमारा जो टीजोन एरिया होता है वहाँ पे मसाज करना होता है। उसके बाद हमारे ये जो लिप होते हैं इनको दोनों साइड से मसाज करना होता है। ये सारे स्टेप आप जब भी मसाज करते हो उसमें फॉलो किया करो, नोज एरिया पे कुछ इस तरीके से। ये सारे क्या करते हैं, आपके एंटी एजिंग जो साइन होते हैं उनको डिले करते हैं। अब यार बूढ़े ऐसा थोड़ी ना कि हम हमेशा जवान रहेंगे, बूढ़े तो होंगे ही, लेकिन जो एंटी एजिंग साइन है उससे आने से, जो एजिंग साइन होते हैं उससे आने से रोकता है। अभी देखो आपने ये वाला स्टेप अगर फॉलो किया तो बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके लिए। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे से टाइटन अप कर देता है। कुछ इस तरीके से आपको अपनी उंगलियों को लेना है और फिंगर की जो बीच की हड्डियां होती है ना, इससे आपको मसाज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चेहरे को दबा दबा के मसाज कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है और अपर डायरेक्शन में, जैसे कि आपने देखा मैं नीचे से ऊपर जा रही थी, जस्ट उसी तरीके से। और 3 स्टेप में करना है, यानी कि एक ठुड्डी के पास, एक अपने चिकबोन पे और दूसरा अपने अंडर आइज से लेते हुए। इसके बाद ये वाला मसाज, ये आपके गाल अगर बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, किसी के गाल पूरे गोलमटोल होते हैं, तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो हमेशा जो आपके चिक है वैसे लटकेंगे नहीं, एज होगी तो लटकेंगे नहीं। इसके बाद नोज मसाज जो मैंने अभी किया, अच्छे तरीके से आपको अपने नोज पे मसाज करना होता है कुछ सर्कुलर मोशन में। इसके बाद सारे मसाज स्टेप खत्म हो गए तो वापस से एक बार अपने पूरे चेहरे पे सर्कुलर मोशन में कर लो मसाज, आपका मसाज स्टेप कंप्लीट हो गया। यार मैं बोलने में भी देखो कैसे एक सांस में इतनी सारी बातें मैंने बोल दी। सो फाइनली मसाज कंप्लीट हो गया। और अभी आप देखो जब मसाज करने के बाद चेहरे पे लुक आता है ना, मतलब यार मत पूछो। ये क्या करता है ना, जब आप मसाज करते हो आपकी स्किन पे ना ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो इतना अच्छा हो जाता है कि ग्लो अपने आप ही आपको अपने चेहरे पे दिख रहा होता है, जैसे कि अभी दिख रहा है। देखो नोटिस किया आपने, अरे भैया ये पानी क्यों लेके आ गई हूँ मैं पीने के लिए, नहीं नहीं नहीं, इससे एक मैजिक करने वाली हूँ मैं, अभी बताऊँ क्या। ये देखो अगर आप अभी फिलहाल तुरंत मेकअप स्टार्ट करने वाले हो तो उसके लिए आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पे फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का गुनगुना पानी लो और उससे अपने चेहरे को वॉश कर दो, ठीक है। अगर आप टिश्यू पेपर या वाइप से करना चाहते हो तो भी कर दो, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से करोगे ना चेहरे को एक अच्छा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स करेगा आपका। आपकी स्किन जब मतलब वॉश करने के बाद अपनी स्किन जब ऐसे आप टच करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट महसूस हो रही है आपको। सो अच्छी तरीके से वॉश करके जितना एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो गुनगुने पानी की हेल्प से बाहर आ जाएगा। अब ये बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको कि गुनगुने पानी से तेल हटता है या नहीं हटता है। मुझे पता है आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अगर आप गुनगुना पानी तेल लगे हुए जगह पे डालते हो तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। सो जस्ट मैंने भी वही किया, जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसे निकाल दिया, चेहरे को अच्छे से वाइप कर लो और इसके बाद जो आपको मेकअप करना है जाकर के बिंदास करो। यार इतना अच्छा फ्लॉलेस मेकअप निकल के आएगा ना, जो बेस
बनेगा सब देखते रह जाएंगे। और अभी स्किन जो मेरी बोल रही है ना, मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। अगर आपको यकीन नहीं है, जाओ जाके ट्राई करो, एक बार फेस मसाज करो, उसके बाद अगर मेकअप नहीं भी करते हो तो भी आपको महसूस होगा कि हाँ, आपकी स्किन ने आपको थैंक यू बोला इस फेस मसाज के बाद। अगर आप ये फेस मसाज रात में कर रहे हो तो रात में ऐसे ही करके सो जाओ, इसे हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपकी स्किन को और भी ज़्यादा हाइड्रेट करने का काम करेगा। और अगर दिन में कर रहे हो, तुरंत बाद मेकअप करना है, तो आप पानी से चेहरे को धो सकते हो, वो भी गुनगुने पानी से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए।